दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हाई सिलिकॉन किरिन 820 प्रोसेसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर के साथ में। 768G जो प्रोसेसर है वो एकदम नया नवेला प्रोसेसर है, 820 भी भाई कोई बहुत पुराना नहीं है, अभी का ही प्रोसेसर है। दोनों प्रोसेसर काफी कम डिवाइसेस में देखने को मिले हैं। 768G की अगर मैं बात करूं तो रेडमी K30 का जो रेसिंग एडिशन है उसके अंदर आपको ये वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और 820 की बात करूं तो ऑनर 10X आने वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 820 प्रोसेसर, और भी फोन्स में देखने को मिला है। Honor 30S के अंदर आपको देखने को मिला है, Huawei Nova 7 AC के अंदर देखने को मिला है। तो दोनों प्रोसेसर काफी अच्छे हैं, 5G कैपेबिलिटीज दोनों प्रोसेसर के अंदर मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर करते हैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं भाई दोनों में से कौन सा प्रोसेसर है बेटर। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं, और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। किरिन 820 लॉन्च हुआ था 30 मार्च 2020 को, स्नैपड्रैगन 768G लॉन्च हुआ है 10 मई 2020 को। दोनों ही प्रोसेसर 2020 में लॉन्च हुए हैं, दोनों ही प्रोसेसर काफी ज्यादा लेटेस्ट हैं, लेकिन लॉन्च डेट के हिसाब से जब बात करें तो स्नैपड्रैगन 768G ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। CPU और CPU क्लॉक स्पीड की अगर बात करें, दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें किरिन 820 की तो यहाँ पर आपको 1+3+4 की बिग लिटिल अप्रोच देखने को मिलती है। यहाँ पर पहला कोर आपको मिलता है हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है आपको ARM Cortex A76 CPU, क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.36 GHz की। तीन कोर यहाँ पर आपको मिलते हैं लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है आपको ARM Cortex A76 CPU, क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.22 GHz की। और चार कोर यहाँ पर आपको मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है आपको ARM Cortex A55 CPU, क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 1.84 GHz की। ओवरऑल अगर CPU आर्किटेक्चर को देखा जाए यहाँ पर तो काफ़ी तगड़ा CPU देखने को मिलता है किरिन 820 में। क्लॉक स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है और कोर्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। स्नैपड्रैगन 768G की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1+1+6 की बिग लिटिल अप्रोच देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको पहला कोर मिलता है हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 475 गोल्ड CPU, जो कि बेस्ड है ARM Cortex A76 CPU पे, क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.8 GHz की। दूसरा कोर यहाँ पर आपको मिलता है लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 475 गोल्ड CPU, जो कि अगेन बेस्ड है ARM Cortex A76 पे, और क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है आपको 2.4 GHz की। और जो नेक्स्ट 6 कोर हैं वो मिलते हैं आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहाँ पर मिलता है आपको ARM Cortex A55 बेस्ड क्रायो 475 सिल्वर CPU, जहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 1.8 GHz की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लॉक स्पीड आपको 768G के अंदर बेटर मिल रही है, 2.8 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। यहाँ पर 820 में आपको 2.36 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 820 के अंदर आपको चार कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए। यहाँ पर अगर आप हेवी एप्स और हेवी गेम्स का यूज करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो वहां पर 820 के अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर आप एक गेम खेलते हैं, दो गेम खेलते हैं, या कुछ ज्यादा हेवी एप्स का यूज नहीं करते हैं, तो भाई स्नैपड्रैगन 768 के अंदर आपको बेटर CPU देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर बात करें, ऑन पेपर अगर बात करें और थोड़ी सी प्रैक्टिकली भी बात करें, तो यहाँ पर किरिन 820 के अंदर आपको थोड़ा सा बेटर CPU देखने को मिल रहा है, क्योंकि चार A76 वाले कोर्स मिलते हैं। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बने हुए हैं, बेस्ट इन क्लास फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं। और भाई ये चीज़ तो आपको पता है कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होती है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, उतना ही कम हीट होता है और एनर्जी एफिशिएंसी उतनी ही बेटर देखने को मिलती है, यानी कि बैटरी कंजम्पशन आपको कम देखने को मिलता है। यहाँ पर CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं, दोनों प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पर बने हैं। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें, दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, किरिन 820 के साथ में मिलता है आपको ARM Mali G57 MP6 GPU, जिसकी क्लॉक स्पीड क्या दी गई है भाई ये तो मेंशन नहीं किया गया है,
6 कोर का हेक्सा कोर जीपीयू है और भाई 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है। परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिलेगी, जिस हिसाब से आर्म ने क्लेम किया है कि जो G52 जीपीयू था उससे 38% बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जीपीयू काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है आपको 820 के साथ में। स्नैपड्रैगन 768G के साथ में आपको क्वालकॉम एड्रेनो 620 जीपीयू देखने को मिलता है। 750 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है, 14 नैनोमीटर का जीपीयू है और भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से आपको आर्म वाली G57 एक बेटर जीपीयू है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और थोड़ा सा अगर मैं स्कोर्स को भी कंपेयर करूँ यहाँ पर तो 101 पॉइंट के आसपास मिले हैं एड्रेनो 620 को और भाई G57 का स्कोर तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 107-108 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे G57 को और थोड़े उससे ज्यादा ही मिल सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो किरिन 820 बेटर प्रोसेसर होने वाला है। बात करें रैम सपोर्ट की, किरिन 820 के साथ में आपको क्वाड चैनल LPDDR 4X रैम का सपोर्ट मिलता है, 8GB तक की रैम देखने को मिल जाती है और 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 768G की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल LPDDR 4X रैम का सपोर्ट मिलता है, 12GB का रैम साइज मिलता है और 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है। तो भाई रैम सपोर्ट के मामले में बहुत बड़ा डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिलता है, हल्का सा डिफरेंस है कि क्वाड चैनल रैम आपको मिलती है किरिन 820 में, इसलिए रैम सपोर्ट के मामले में भी किरिन 820 बेटर प्रोसेसर है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको EMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.0 तीनों टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें, किरिन 820 के साथ में आपको 64 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा देखने को मिल सकता है या फिर 40+24 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। अब भाई यहाँ पर मैंने मेंशन दो चीज़ें कर रखी है, 40+24 और 22.5+22.5, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स से मेरे को मिला था तो भाई मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर पुटअप कर दी है। और भाई अगर बात करें स्नैपड्रैगन 768G की तो यहाँ पर डुअल कैमरा मिल जाता है 22+22 मेगापिक्सल का, सिंगल कैमरा आपको मिलता है 36 मेगापिक्सल तक का और यहाँ पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिल जाता है और मैक्सिमम कैमरा साइज यहाँ पर मिलता है 192 मेगापिक्सल का। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 768G थोड़ा बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें, दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको अप टू 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। किरिन 820 के साथ में अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 2160 पिक्सल्स वाले तो 30 फ्रेम पर सेकंड पर आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 768G की अगर बात करें तो 2160 पिक्सल्स वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पर, 1080 पिक्सल्स यानी फुल HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पर, 720 पिक्सल्स यानी HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 फ्रेम पर सेकंड पर और उनको इजीली स्लो मोशन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में भाई मेरे हिसाब से दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें, किरिन 820 के साथ में आपको QHD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, रिजोल्यूशन आपको मिलता है 2160x3360 पिक्सल्स का और रिफ्रेश रेट के बारे में भाई कोई भी जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई है। स्नैपड्रैगन 768G की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको QHD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर रिजोल्यूशन मिलता है आपको 1440x3360 पिक्सल्स का और रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको मिलता है 60 हर्ट्ज का QHD प्लस डिस्प्ले में। अगर फुल HD प्लस डिस्प्ले यूज किया जाता है रिजोल्यूशन मिलता है 2560x1080 पिक्सल्स का और साथ ही में बात करें तो रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है 120 हर्ट्ज का। तो भाई मेरे हिसाब से डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे होने वाले हैं, हालांकि रिफ्रेश रेट के बारे में 820 के अंदर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी भाई 120 हर्ट्ज तक का या 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले सपोर्ट तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको 820 के अंदर। तो भाई मैं ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी अगर डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में बात करें जो जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से 768G थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करें, किरिन 820 के साथ में आपको इंटीग्रेटेड बैलोंग 5G मॉडेम देखने को मिलता है, यहाँ पर डाउनलोड की स्पीड मिलती है 2.3 GBPS की, अपलोड की स्पीड मिलती है आपको 1.25 GBPS की। बात करें स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X52 इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम देखने को मिलता है, यहाँ पर डाउनलोड की स्पीड मिलती है 5G नेटवर्क पर 3.7 GBPS की, LTE नेटवर्क पर मिलती है 1.2 GBPS की, अपलोड स्पीड यहां पर मिलती है 5G नेटवर्क पर 1.6 GBPS की और 4G नेटवर्क पर मिलती है 210 MBPS की। तो भाई LTE मॉडेम के मामले में 768G बेटर प्रोसेसर है। AnTuTu स्कोर्स की अगर बात करें, AnTuTu स्कोर भाई आपको पता है कि एक डिवाइस का पूरा परफॉर्मेंस का स्कोर होता है, उसमें CPU, GPU, RAM, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सारी चीजें आ जाती है। किरिन 820 को मिलते हैं 375,270 पॉइंट,
स्नैपड्रैगन 768G को मिलते हैं 360,000 पॉइंट के आसपास। तो एंटूटू के हिसाब से अभी भी किरिन 820 एक बेटर प्रोसेसर है। Geekbench स्कोर की अगर बात करें, किरिन 820 को सिंगल कोर में मिले हैं 3,490 पॉइंट, मल्टी कोर में मिले हैं 11,200 पॉइंट। हालांकि स्नैपड्रैगन 768G के जो स्कोर है वो तो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसके आसपास ही आपको स्कोर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कम स्कोर आएगा 768G का, क्योंकि मेरे हिसाब से CPU थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू किरिन 820, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 A76 मिले हैं, यहाँ पर आपको 2 A76 मिले। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से किरिन 820 Geekbench के हिसाब से भी बेटर होगा। तो भाई ये था कंपैरिजन Qualcomm Snapdragon 768G प्रोसेसर का हाई सिलिकॉन किरिन 820 प्रोसेसर के साथ में। 768 जो प्रोसेसर है ना भाई, वो इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि 820 ने 765G प्रोसेसर को हरा दिया था, और ये चीज Qualcomm को अगर अच्छी नहीं लगी तो उसने यहां पर कुछ चेंजेस करके 768G डाल दिया, जो अगर कंपेयर कर पाए 820 के साथ में। लेकिन भाई मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि सीपीयू के मामले में अभी भी 820 प्रोसेसर के अंदर आपको थोड़ा सा बेटर सीपीयू मिलता है, क्योंकि वहां पर आपको हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए 4 कोर मिलते हैं। तो थोड़ा सा बेटर सीपीयू आपको देखने को मिलता है 820 के अंदर, और वो स्कोर में भी आपने देखा भाई कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जीपीयू की बात करेंगे तो 820 के अंदर आपको बेटर जीपीयू मिलता है, G57 काफी अच्छा जीपीयू है, 7 नैनोमीटर जीपीयू है। तो भाई परफॉर्मेंस जीपीयू की भी आपको किरिन 820 के अंदर देखने को अच्छी मिलेगी। फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो दोनों के अंदर आपको एक जैसी फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलती है 7 नैनोमीटर की। LTE मॉडेम की अगर बात करें या नेटवर्क मॉडेम की बात करें, तो वहां पर थोड़ी सी बेटर आपको डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड मिलती है Qualcomm Snapdragon 768G में। लेकिन भाई CPU और GPU में तो भाई यहां पर विनर, क्लियर विनर है 820 प्रोसेसर, और मेरे हिसाब से भी इस बैटल का जो अल्टीमेट विनर निकल के आता है वो है हाई सिलिकॉन किरिन 820 प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।